देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। मुंशीपुरा में सास ने दामाद को लगाई आग, आज एक युवक को उसकी सास ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घायल अवस्था में लाया गया जिला हॉस्पिटल में युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी किसी बात पर नाराज होकर मायके चली गई। उसी समय उसकी पत्नी का फोन आया तो वो पत्नी से मिलने उसके मायके गया, जहां उसकी सास ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। सर, पत्नी से विवाद होने के बाद उसके मायके चली गई। मैं FIR करवा के सीधे मम्मी पापा के घर चला गया था। उसके बाद मैं वहां से आया, रास्ते में पत्नी का फोन आया, उसने मुझे घर पे बुलाया। सास ससुर ने सब वो डिब्बा में क्या पता नहीं मट वो पेट्रोल भरा था, फेंका ऊपर से, पीछे से तुरंत बाद माचिस की कड़ी फेंक दी और आग लगा दी। किस बात पे विवाद हुआ था आपकी पत्नी से? वो तो सब चलता रहता था, ऐसा तो दो चार कही सुनी हो जाती थी। वहीं युवक की पत्नी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि उसके पति को महिला के भाई ने ही बचाया है, जिसमें उसके हाथ जल गए। एक तो मर्जी से शादी करी, ऊपर से मारपीट करते हैं मेरे साथ। कितने बजे का मामला है? 7:30 बजे 8 बजे का है। आठ बजे का मामला है? मैं तो उधर कैसी हूँ। हम दोनों ने अपनी लव मैरिज की है, मेरे को लेके गए थे, खुद शादी की है मेरे से। लव मैरिज? हाँ, मेरे दो बच्चे हैं, छोटे किराए से रहती हूँ मैं। सास ससुर साथ में नहीं आते, कभी दुख तकलीफ में मेरे को मारते हो, कभी नहीं आते, फोन करती हूँ और बेटो तो हमने मेरे को मारपीट करते वाले की हेडकोर से शादी की है मेरे पास, मेरे पास गवाह है ना। अभी क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। अब तो ये पुलिस की जांच ही बता पाएगी कि आग कैसे और किसने लगाई। अभी तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। एक मामला आया, ये कोई लोधी है, वो मतलब इनका ये कहना है कि मेरी सास ने, मेरी पत्नी ने, मेरे साले बगराओं ने मेरे को तेल डाल के जलाया है, धोखे से ससुराल बुला करके। और उनकी पत्नी का ये कहना है कि इन्होंने स्वयं अपने आप को आग लगाई है। तो अब मेरा ये निवेदन है कि इसमें टाइम पीरियड और CCTV के फुटेज आदि निकाली जाए और उसकी सही जानकारी पुलिस मिला है, तभी न्याय होगा कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि ये मेरे जीवन में पहला मामला आया है इस प्रकार का कि पति को उसकी पत्नी ने जलाया, उसकी सास ने जलाया है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला होना, काफी मतलब ये गंभीरता वाला मामला है, कोई मायका वाला साथ नहीं। आवन गांव की सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर रखी प्याज पूरी तरह से सड़ गई। उपभोक्ता प्याज लेने को तैयार नहीं। सड़ी हुई प्याज में इतनी तेज बदबू आ रही है कि किसी को भी वहां खड़ा होना नामुमकिन है। राधोगढ़ तहसील के आवन गांव की सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर रखी प्याज पूरी तरह से सड़ चुकी है। कंट्रोल में रखी प्याज पूरी तरह से सड़ जाने के कारण कंट्रोल में सड़ी प्याज की बदबू आ रही है। बदबू इतनी आ रही है कि इस बदबू के कारण कंट्रोल में एक मिनट भी रुका नहीं जा सकता। सड़ी प्याज को कोई भी उपभोक्ता लेने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में कंट्रोल डीलर इमरत लाल से बात की तो डीलर ने बताया कि प्याज पूरी तरह से सड़ गई है और उसमें बदबू भी आ रही है, इसी कारण कोई भी उपभोक्ता प्याज लेने को तैयार नहीं है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि प्याज पूरी तरह से सड़ गई है, इस वजह से हम प्याज नहीं ले रहे हैं। ऐसी सड़ी हुई प्याज को लेकर हम क्या करेंगे? हमारे सहयोगी तेज सिंह की रिपोर्ट। और
साहब सड़ चुकी है, सड़ने के चक्कर में हम प्याज नहीं ले रहे। तो सड़ चुकी है प्याज, इसलिए प्याज नहीं ले रहे आप? नहीं भले ही 50 किलो एक कट्टा दो कट्टा दे देते मुझे, तैयार हूँ लेने के लिए। प्याज सड़ गई इस वजह से आप प्याज नहीं ले रहे? सड़ी गली प्याज है, वो बोखता ले रही है। सड़ी प्याज है? हाँ, बिल्कुल बेकार प्याज है। कितनी प्याज है? प्याज अभी 350 रुपये प्याज है। 350 कट्टी कंट्रोल में प्याज रखी है? नहीं, प्याज आती है 400 बैग एक आते, 650 बैग आते, इसमें 350 बैग बचे विशेष। अच्छा, प्याज सड़ी सड़ गई पूरी तरह? बिल्कुल बेकार, उसमें गोदाम में ठहरा नहीं जा रहा, इतनी बेकार प्याज आई है। तो बदबू मार रही? बदबू मार रही है, उससे कोई फेंकने वाले के लिए तब तैयार नहीं, इतनी बेकार प्याज है, इसलिए कोई भोगता प्याज को नहीं ले रहा। दिन दहाड़े हुई प्याज की लूट, देखते रह गए सभी लोग, किसी ने नहीं की रोकने की कोशिश। गुना की गल्ला मंडी में आज रतलाम से आई प्याज, जब इस प्याज को सहेज कर रखने के लिए गल्ला मंडी में लेकर आया गया तो वहां कई महिलाएं और बच्चे प्याज को लूटने के लिए आ गए। अचानक इस तरह से प्याज को लूट कर ले जाते देख सभी लोग हतप्रभ रह गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सब लोग क्विंटलों प्याज लेकर चले गए। हुआ यूं कि गल्ला मंडी में जहां प्याज रखने के लिए आई थी वहां की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और इसमें एक छेद भी बना हुआ है, जिसमें महिलाएं और बच्चे आ गए और प्याज लूट कर ले गए। जब हमने वहां खड़े हमालों से पूछा कि क्यों उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया तो उनका जवाब था कि लोग मारते, इसी डर से हमने कुछ नहीं कहा। जब हमारी बात खाद्य अधिकारी CS जादौन से हुई तो उनका कहना था कि लूट हुई है और अब SDM महोदय को बता दिया गया है और गार्ड भी लगा दिए हैं। साथ ही जब हमने प्याज के रखरखाव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि प्याज को यहां अस्थाई तौर पर रखा गया है, बाद में इसे दूसरी जगह ले जाया जाएगा। अब समझ से परे है कि जब यहां रखना ही था तो प्याज यहां लाया ही क्यों गया। क्या सरकार के पास इतना फालतू पैसा है कि प्याज को इधर से उधर ही करने में पैसे खर्च करना पड़े? रेलवे रैक के माध्यम से रतलाम से प्याज प्राप्त हुई गुना जिले को, तो भंडारण सुविधा की दृष्टि से यहाँ मंडी के कैंपस में यहाँ रखवाई जा रही है प्याज। और जैसा कि सूचना मिली है कि कुछ लोग प्याज यहाँ से लूट रहे थे, तो इसके संबंध में अपर कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया और होमगार्ड जमा लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो सर इसमें सर अंदर ये कट्टों को सेफ्टी से नहीं खोल के नहीं रखा जा रहा सर, इसमें तो प्याज खराब होने का भी खतरा है? नहीं, वो लंबे समय तक यहाँ भंडारण नहीं किया जाएगा, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से प्याज का सुरक्षित जगह पर रखवाया जाएगा। सर सुना जा रहा है कि अभी एक रेक और आ रहा है प्याज? सुनने में आ रही है कि एक रेक और आ रही है, तो उसी लिए भंडारण के लिए स्थान बनाया जा रहा है। जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन आज जिला रोजगार कार्यालय में हुआ। जिला रोजगार कार्यालय में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 12 कंपनियां आईं। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुए इस मेले में कई बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। इस रोजगार मेले में 2 नई कंपनियां भी आईं। अगले मेले का आयोजन जुलाई माह में होगा। इस आयोजन में 165 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनका प्लेसमेंट भी जल्दी हो जाएगा। विजिट करो, आओ देखो, चले जाओ। हाँ सर बताएं। आज अपन ने गुना जिले में जिला स्तरीय एक मेला रखा था, इसमें आज अपने 12 कंपनी आई हुई है और कुछ कंपनी देसी पहली बार आई हुई है। एडीको कंपनी है, नई दिल्ली से भी आई हुई है और अभी तक अपने 165 लोगों का मतलब उन्होंने सहमति ले ली है, प्लेसमेंट करा दिया है। और ये लगभग 10:30 बजे इस मेला शुरू हुआ था, उससे हम 3-4 बजे तक चला गया मेला, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आज मौसम को देखते हुए। और बेरोजगार अभी तक अभी आ भी रहे हैं और लंबे 6 महीने गैप से मेला हुआ है और आगे जुलाई में भी मतलब होगा, चलता रहेगा मेला इसी तरह। आज मुख्यमंत्री रोजगार मेला का आयोजन था, इसमें हम लोगों ने स्टॉल लगाया है और इसमें 5वीं पास या फेल 15 से 40 साल तक महिलाएं या पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत
इसमें बेरोजगार जो युवा युवती घूम रहे हैं फालतू, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। 15 दिन से 9 महीने तक के कोर्स कराए जाएंगे। कोर्स के दौरान इनको 70% लोगों को नौकरी की 100% गारंटी है। और उसके बाद अगर जिनको नौकरी नहीं मिलती है, स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। आप अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं और गुना जिले में कम से कम 2.5 लाख लोगों को रोजगार। अभी तक आपके कितने बनाने का अभी तक आपके कितने रजिस्ट्रेशन हो? अभी तक हमारे यहाँ 1600-1700 रजिस्ट्रेशन गुना डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं। सब अलग अलग ब्लॉक वाइज बनाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, सबको अलग अलग कैंपेन मैनेजर बनाएंगे। भारतीय मजदूर संघ ने दिया नगरपालिका के सामने धरना। केंद्र सरकार की नीति आयोग का गठन किया, जिसमें सभी कर्मचारी को हितों का हनन हो रहा है, जिसके विरोध में आज नगरपालिका के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में कई संगठनों ने सहयोग दिया। सभी की मांग है कि उक्त नीति आयोग की श्रम विरोधी नीतियों को तत्काल संशोधन कर जनहित में फैसला लें। आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो नीति आयोग का गठन किया है और उस नीति आयोग द्वारा जो श्रम विरोधी नीतियों को पारित किया गया है, उसमें श्रमिक, मजदूर, कृषक, व्यापारी सभी उस नीतियों से प्रभावित हैं। सभी कर्मचारी उस नीति आयोग की नीतियों से प्रभावित हैं। इसलिए तत्काल उस नीति आयोग द्वारा पारित नीति के विरोध, तत्काल उस नीतियों में संशोधन कर सरकार जनहित में नीतियां पारित करे। एवं हम ये कहते हैं कि वो नीति आयोग नहीं होकर अनीति आयोग है, क्योंकि इस नीति आयोग के माध्यम से हमारा सभी वर्ग प्रभावित होने वाला है। आज उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ की पदाधिकारी कार्यकर्ता, राज्य कर्मचारी संघ, संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ, पेंशनर संघ, दैनिक वेतन भोगी सहित भारतीय मजदूर संघ के सभी अनुसांगिक संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं, धरने में समर्थन कर रहे हैं और सभी की मांगें पूरी हों इसके लिए हम कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। धन्यवाद। 3 दिनों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई ना होने पर छात्र संगठन DSO ने दिया कलेक्टर कार्यालय में धरना। आज छात्र संगठन का कहना है कि जन भागीदारी समिति में आज भी 88 लाख रुपए मौजूद हैं, उसके बाद भी हर वर्ष फीस वृद्धि करना न्यायोचित नहीं है। इस फीस वृद्धि के चलते छात्र संगठन के पदाधिकारी कलेक्टर राजेश जैन से मिलने के लिए 3 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, पर कलेक्टर महोदय के पास छात्रों के लिए समय ही नहीं है। इसी के चलते यह छात्र कलेक्टर कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। अब तो कलेक्टर उनके लिए ही समय निकाल लेंगे। आज ऑल इंडिया DSO की तरफ से हमने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पे आना है। ये NOC के फॉर्म में दिया गया है। दरअसल क्या हो रहा है, महाविद्यालय प्रशासन ने इस सत्र से लगभग कॉलेज की सभी कक्षाओं में 200 रुपये की फीस वृद्धि कर दी है। जबकि महाविद्यालय प्रशासन का अगर प्रॉस्पेक्टस उठा के देखा जाए पिछले सालों का, तो पिछले 5 सालों में छात्रों का लगभग 20 लाख से ज़्यादा ऐसा पैसा कॉलेज डकार चुका है, जिसका 1 रुपया छात्रों के लिए खर्च नहीं किया गया है। 88 लाख रुपये जनभागीदारी समिति में अभी भी पिछले साल का बाकी है, इसके बावजूद महाविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि की है। तो हमारा कहना है ये फीस वृद्धि पूर्णतः अनुचित है। महाविद्यालय प्रशासन के प्रोफेसरों के, छात्रों के, प्रोफेसरों के खुद के खर्चे के लिए छात्र फीस नहीं देंगे, इसलिए हमने आज इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अविलंब तरीके से 200 रुपये की फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। इसको लेकर पिछले 3 दिन से कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, आज तक कलेक्टर से बात नहीं हुई। आज कलेक्टर से बात हो पाए इसलिए आज यहाँ पर बैठे हैं। तो निंदा एक तरह से कलेक्टर की भी की जानी चाहिए, जिला प्रशासन की भी की जानी चाहिए कि 3 दिन हो गए भटकते भटकते जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा छात्रों से बात करने के लिए नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है, कॉलेज कमेटी उपाध्यक्ष ऑल इंडिया DSO। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत आज यहां चरित्रार्थ हुई जब राधोगढ़ निवासी एक युवती ट्रेन की चपेट में आ गई। इसके बाद भी महिला को सकुशल बचा लिया गया, हालांकि इसमें उक्त महिला के पैर में गंभीर चोट आई है।
महिला के ट्रेन के नीचे आने के क्या कारण हैं वो महिला के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। सौ नंबर डायल पे किसी कॉलर ने फोन किया कि यहाँ लड़की रेलवे किनारे पड़ी है, मतलब कटकी रेल से। तो हम तत्काल पहले ही पहुँच गए सर। फिर हमने इसको किया अपनी जी गाड़ी 108 अस्पताली गाड़ी, उसमें ट्रेचर वगैरह रखे रहते, उस पर उसको लदवा के जल्दी अस्पताल ले आए। किस रेलवे फाटक पे? ये बांसखेड़ी की थोड़ा पीछे। आपका नाम? धीरेन्द्र सिंह यादव, हेड कॉन्स्टेबल। दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं को बोलेरो ने मारी टक्कर, चार की मौत, सात घायल। लोहपाल में शिवजी के दर्शन कर लौट रहे साहू परिवार के सदस्य ऑटो से घर लौट रहे थे। वहीं आरोन गुना रोड पर कामेश्वर ढाबे पर टैक्सी का ड्राइवर पानी पीने के लिए रुका, तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें दो महिलाओं और एक बच्ची की मौत हो गई और आठ लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। मार साहब का स्टेटमेंट ले लिया। नीचे दे दी गाड़ी। आया ऐसा खड़ी गाड़ी सही है। मान लेके उतरे थे, मान लेके उतरे थे। मुस्लिम समुदाय के पवित्र माह रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, जिसमें गुना की सभी मस्जिदों में एक एक कर शब कदर मनाई जा रही है। इसी क्रम में कल शाही जामा मस्जिद में शब कदर मनाई गई एवं सुबह सहरी भी हुई। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। मोहम्मद मुस्ताक राय, मोहम्मद अल्ताफ रजा कादरी, मोहम्मद अमीर राय, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, मोहम्मद अमन राय, मोहम्मद आजम राय, मोहम्मद सलाकत खान, मोहम्मद राहुल राय, अखबार फरमाए अमीरतों कॉम्प्लेक्स के साथ आखिरी प्यारी बात आजादी ने सुनने ने कही है कि जब कब्र में भी हो गुलाम। और ये एक जोड़ा अमरों ने मंगू का साथ की इजाजत से, नंगू का साथ की इजाजत से जब आगे हुए। और जिस दिन मेरे पैगंबर तशरीफ लाए वो दिन तमाम दिनों के अफजल, और जिस जमाने मेरे रसूल तशरीफ लाए हैं वो लम्हा तमाम दिनों से अफजल है। अफसोस हम कुरान के सदके हम इस रात को तो माने माहे रमजान की अफजली को तस्लीम करें। साथ ही मुस्लिम समुदाय ने आज अलविदा जुमा की नमाज भी अदा की। अलविदा जुमा नमाज रमजान माह की बड़ी एवं अंतिम जुमा होती है, जिसमें इबादत की बड़ी खास अहमियत मानी जाती है। अलविदा जुमे में मस्जिदों में खासी रौनक देखने को मिली। मस्जिदों में इफ्तार के लिए कई लोगों द्वारा इफ्तार का इंतजाम किया गया। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।